अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आमना। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश फ्राई सालन बनाएंगे। उसके लिए जो हमें अशिया दरकार हैं, आप देख सकते हैं, धनिया ज़ीरा पाउडर है, नमक और हल्दी लिया हमने यहाँ पे, और हमारे पास ये पेस्ट बना हुआ है अनियन और ग्रीन चिल्ली का, और ये टोमेटोस है, और इसके साथ धनिया हमने लिया हुआ है, हरा धनिया। ये हमारे पास फ़िश है जिनको हमने कट करके साफ़ करके रख लिया है, 1 kg से भी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो ये चीज़ें हमें दरकार हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने फ़िश के अंदर हम हल्दी ऐड कर रहे हैं और नमक ऐड करेंगे। एक्चुअली हम फ़िश को फ्राई करने जा रहे हैं, और उस फ्राई करने से पहले हम इसके अंदर नमक और हल्दी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमने अच्छे से हल्दी और नमक लगा लिया है फ़िश में। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, क्योंकि हमने इन फ़िश को फ्राई करना है सालन बनाने के लिए। पहले फ़िश को हम जी नाज़रीन, अब ये जो तेल हमारा है ये गरम हो गया है। जी नाज़रीन, एक बात आप गौर करिएगा कि इसमें हमने नमक ऐड किया है ऑयल में। इसकी रीज़न ये है कि जब हम फ़िश फ्राई करेंगे तो ये कढ़ाई के साथ लग ना जाए, इस वजह से हमने इसके अंदर ऑयल के अंदर हमने नमक ऐड किया है। तो इस बात को आप गौर करिएगा, आप लोग भी जब बनाएं तो आप लोगों ने नमक ऐड करना है ताकि ये स्टक ना हो जाए फ़िश कढ़ाई के साथ। अब आप इस चम्मच की मदद से 1 by 1 आप ऑयल के अंदर फ़िश ऐड करेंगे, एक साथ, बहुत ज़्यादा नहीं आपने ऐड करना। बारी बारी हम इसको फ्राई करेंगे। देख सकते हैं आप स्क्रीन में, हमारे फिश फ्राई हो रहे हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है साथ साथ मुझे। आपने वेट करना होगा जब तक कि ये वन साइड आपका गोल्डन कलर हो जाए, उसके बाद आपने गोल्डन कलर हो जाए तो फिर आपको फ्लिप कर देना है। बैक साइड अगर इसका अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर आपने फ्रंट साइड को करना है। इसी तरह हम वेट करेंगे और अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं फ़िश को, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और हमारे फ़िश फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही फ़िश फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम सालन की तरफ जाएंगे कि सालन किस तरह हमने बनानी है इन फ्राई फ़िश के साथ। अब हम देखते हैं कि हमारा वन साइड अच्छे से फ्राई हो गया है। आपने इसको फ्लिप कर देना है, फ्रंट साइड बैक साइड कर देना है। जो बैक साइड है वो हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, तो हम आप फ्रंट साइड की तरफ से इसको फ्राई करेंगे। बस तकरीबन हमारे फिश तैयार है, थोड़ा सा और पकाना है इसे, हमें फ्राई करना है। नाज़रीन, हमने सिंपल फ़िश लिए थे यहाँ पे 1 kg से भी ज़्यादा थोड़ा सा, उसके बाद हमने इसके अंदर हल्दी नमक ऐड करके और तेल गरम करके ज़रा सा नमक ऐड करके इसको फ्राई कर लिया था, और हमारा फ़िश अब बिल्कुल रेडी है, तैयार हो गया। आपके सामने ही हमने फ्राई किया, और अब हम इसके अंदर जो हमारे बचे हुए फ़िश थे, जो रिमेनिंग थे, उसको फ्राई करने के लिए रख देते हैं। तो साथ साथ ये भी फ्राई हो जाएंगे, तो फिर एक साथ ही हम सालन की तरफ जाएंगे और सालन तैयार करेंगे।
जी नाज़रीन, अब हमारे फ़िश बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल सारे ही फ्राई हो चुके हैं। हम अब इसको डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना मज़ेदार कलर आया है और खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही है। अब ये बिल्कुल तैयार हैं सालन बनाने के लिए और हम सालन की तरफ जाते हैं। और सालन किस तरह बनानी है जी, सालन के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाए हम इसके अंदर वो जो हमने ग्रीन चिली और अनियन का पेस्ट बनाया हुआ था उसको ऐड करेंगे। और फिर मसाला, धनिया और ज़ीरा पाउडर, हल्दी और नमक ऐड करके आपने इसको अच्छे से मिक्सअप कर देना है ऑयल के साथ। साथ में आप चम्मच हिलाते जाए। ये बिल्कुल रेडी है। दो तीन मिनट बाद अगर आप देख सकते हैं कि इसमें ऑयल उभरने लग गया है ऊपर की जाने। इसके बाद हम इसके अंदर टोमेटोस ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। चम्मच हिलाते जाएंगे, मिक्सअप करेंगे हम लोग। अब हम इसके अंदर 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे और हमने इसको ढक्कन रख देना है इसके ऊपर और इसको पकने देना है थोड़ी देर के लिए। अब आप देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट आ गया है इसका, पानी बॉईल होने लग गया और बड़ी मज़े की खुशबू भी आ रही है साथ साथ। अब बारी है फ़िश ऐड करने की, हम इसके अंदर फ़िश ऐड कर देंगे। ये वो फ़िश है जिनको हमने फ्राई करके रख दिया था और अब हम इसके अंदर सालन के अंदर जो हमने सालन का शोरबा बनाया है इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे, पकने देंगे। फिर आप तकरीबन, क्योंकि फ्राई फ़िश हमने पहले से फ्राई कर लिया था तो हमें इतना पकाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से पके हुए फ़िश, तो अब बस आपने डालना है और इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देना है। बस तैयार है, अब हम डिश आउट करने लगे हैं इसे। ये हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। जी नाज़रीन, हमने डिश आउट करना शुरू कर दिया है। अब हम आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। वाओ माशाल्लाह, क्या खुशबू है, क्या मज़े की बनी है। आप फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट ज़रूर करिएगा और मेरे लाइक वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर ज़रूर करिएगा। और होप आप लोग इस डिश को ज़रूर ट्राई करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।